वेलकम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.1 के। ठीक है भाई, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इजी भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं पहले। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायामीटर। अब की बार क्या दिया है? डायामीटर दिया है, ना कि रेडियस। तो आपको पता ही है डायामीटर का हाफ क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गिवन हमारे पास क्या हो गया, डायामीटर 3/2 2x + 1, और ये आपके पास एक डायग्राम हो गया छोटा सा स्फेरिकल टाइप में, ये रेडियस। अब रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगी 3/4 और 2x + 1, ये आपके पास हो गई रेडियस। इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डी वी अपोन में डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है भाई। अब इसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता, स्फीयर की वॉल्यूम का। वी नो दैट, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। अब r तो हमारे पास गिवन है, यानी हमने निकाला है डायमीटर के हेल्प से, तो वही यहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 π, और r की जगह क्या रखना है भाई, 3/4 2x + 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई। क्लियर ये बात, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। अब देखो भाई हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो v का हो जाएगा dv/dx, और 4/3 π तो आगे रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट है, जो आगे चीज़ होती है ऐसे वो हमारे पास आगे ही रहती है, उस चीज़ का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये तो आपको पता ही होगा, डिफरेंशिएशन आप काफ़ी बार सीख चुके हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ जाओ। ऐसी कंडीशन में हमारे पास पहले होता है पावर का, तो पहले पावर का, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 3/4 2x + 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 भाई, पावर आगे पावर में से एक कम। अब पावर का हो गया, अब अंदर जो हमारे पास उस चीज़ का होगा, तो अंदर है आपके पास 3/4, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ 3/4 और 2x + 1। अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन रह गया ना हमारे पास, तो देखो भाई 4/3 π * में आपके पास 3, और यहाँ पर है 3/4 2x + 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ का करते हैं, तो ये 3/4 तो आगे ही रहेगा हमारे पास मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 2x + 1 का हो जाएगा 2 भाई, 2x का 2 और 1 का 0, ये तो आपको आता ही होगा। अब देखो भाई यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है, इसकी पावर 2 है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो 3/4 की पावर कितनी हो गई, होल पावर 3 हो गई, 4/3 π, और इंटू में 3/4 की पावर होल पावर 3 भाई। देखो 2 पावर तो यहाँ पर है और एक पावर ये रही, तो 3/4 की पावर कितनी होगी, 3 इंटू में है आपके पास 3। अब अंदर क्या बच गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर, और एक 2 यहाँ पर भी बचा हुआ भाई। अब देखो यहाँ पर है आपके पास 3/4, यहाँ पर है 4/3, तो इससे एक पावर तो कटेगी, इसकी 2 पावर बच जाएगी, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3/4 और इसकी पावर 2, यानी कि अगले स्टेप में लिख लेना, चलो पाई इंटू में 3 2x + 1 और इस पूरी का होल स्क्वायर इंटू में 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 पाई इंटू में 3 इंटू में 2x + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में 2। यहाँ से आप इसको कैंसिल करो, 2 से 8 जा, ये आ गया 9 3 जा 27 पाई, ठीक है, 27 पाई अपोन में 8 है ना, तो अपोन में 8 और इंटू में बच गया 2x + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। अब कोई यूनिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने भी कोई यूनिट यहाँ पर लगानी नहीं है। लास्ट में आपने लिखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू में, जो आपके पास आया है 27/8 π इंटू में 2x + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इजी ही केस था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। क्या गिवन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, ये एक पाइप मान लिया हमने, डायग्राम बनाना है अच्छे से। इसके अंदर सैंड है भाई, वो निकल रहा है और एक कोन बना रहा है, ठीक है। और उस जो कोन की जो हाइट है वो क्या है आपके पास, 1/6 आर है। देखो इसने बोला है फॉर्म से कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या निकालना है, इसके हाइट में जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो भाई आप हम लिखते हैं, जो हमारे पास गिवन है, गिवन सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब पर सेकंड दे दिया ना, तो आपके पास क्या गिवन हो गया, dv/dt। तो dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये चीज़ आपके पास गिवन है भाई, क्लियर यहाँ तक। और आपके पास जो हाइट होगी कौन की वो क्या होगी, 1/6 r होगी, ये भी बोला है इसने क्वेश्चन में। या आप कह सकते हो 6h जो होगा वो r के इक्वल होगा, 6 को इस साइड ले आओ, एक ही बात है। अब हमें पता है वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूले आपको याद आना चाहिए, कैपिटल वी से इसको डिनोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 πr²h, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, r की वैल्यू रख सकते हैं 6h, तो 1/3 π और 6h का होल स्क्वायर इंटू में एच, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 π, 6 का करेंगे तो 36 और h का करेंगे तो एच स्क्वायर और इंटू में एक और h है। इस थ्री से हमारा 12 पे, तो ये हो गया 12 πh³, क्लियर यहाँ तक। या आपके पास कैपिटल वी के एक बोला गया। अब हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वाई। अब देखो वी का डिफ्रेंशिएशन dv/dt, और यहाँ पर 12 π तो आगे रहेगा, इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है और आगे मल्टीप्लाई में है। एच क्यूब क्या हो जाएगा, पहले पावर का, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर h का dh/dt, यहाँ तक क्लियर। अब देखो भाई dv/dt आपके पास गिवन है 12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से हम dv/dt रखते हैं, 12 = 12 π × 3h² · dh/dt फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने यहाँ पर क्या रख दिया, dv/dt रख दिया। अब यहाँ से देखो इस साइड भी 12 है, इस साइड भी 12 है, कैंसिल। अब हमें चाहिए क्या, dh/dt चाहिए, ठीक है। तो dh/dt ये रहा, इस साइड ही रखो, और ये अपोन में जाएगा तो 1/3 πh² हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। dh/dt चाहिए था हमें। अब इसने लास्ट में बोला है कि क्या बताओ, हाइट 4 सेंटीमीटर हो तब बताओ हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, व्हेन h = 4 सेंटीमीटर देन dh/dt, तो यहाँ पर h की जगह पर 4 रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर है ना, तो 1/4 का स्क्वायर 16, 16 3 = 48 π। अब dh है h के लिए सेंटीमीटर, और अपोन में dt है तो dt के लिए सेकेंड, क्लियर यहाँ तक। ये आ गया आपके पास dh/dt। लास्ट में आपने लिख देना है, हैंस हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 π/cm/s भाई, क्लियर यहाँ तक। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपने पहले देख लिया था, दोनों ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू।